हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई नो कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई है एंड इस गर्मी में हर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जैसे भी स्किन टाइप आपकी क्यों ना हो, सबको बहुत ज़्यादा इरिटेशन, ईचीनेस, रेडनेस तो हो ही जाती है। सो हमारी स्किन की केयर करना हम लोगों को ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक फेस क्लीनअप यूजिंग बायोटिक प्रोडक्ट्स। ये एक वन ब्रांड फेस क्लीनअप ट्यूटोरियल होने वाली है जहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ बायोटिक्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी। आप लोगों को पता है कि बायोटिक एक ऐसा ब्रांड है जो 100% नेचुरल है। सो आपके फेस के लिए अच्छा है, कोई भी केमिकल इसमें एडेड नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी टाइप स्किन टाइप आपकी क्यों ना हो, आप टीनेजर क्यों ना हो, कॉलेज गोइंग गर्ल हो या फिर वर्किंग वूमन हो, कोई भी आप हो, आप इसको यूज कर सकते हो। एंड हफ्ते में एक बार तो आप अपनी स्किन को पैम्पर करना ही चाहिए एंड स्किन को क्लीन अप करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप सबको ही पता है। सो आज मैं आप लोगों को एक डेमो दिखाऊंगी कि कैसे आप बायोटिक प्रोडक्ट्स के साथ ये कर सकते हो। आज मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ इसके सारे जो एक ऑलरेडी मैंने इसका रिव्यू एक शेयर किया है टीनेजर स्किन केयर रूटीन के ऊपर, उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगी। आई होप को आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप उसको लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्लीनअप स्टार्ट करने से पहले फेस में से सारे मेकअप अब रिमूव कर लीजिए अच्छी तरह से एंड अपने हाथों को भी वॉश कर लीजिए। पहले बारी आती है फेस को क्लीन करने की। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बायोटिक की बायो वाइट एडवांस फेयरनेस फेस वॉश। ये आपकी स्किन में से इम्प्योरिटीज़ को निकाल के आपकी स्किन को लाइटन करने में मदद करेगा। फेस वॉश करने से पहले मैं फेस को थोड़ा सा गीला कर लूँगी एंड देन उसके बाद जो फेस वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ उसको एक कॉइन साइज अमाउंट में ले लूँगी। इसका टेक्सचर आप देख सकते हो बिल्कुल जेल टाइप में है एंड वाइट कलर का है जो ऑयली स्किन के लिए अच्छा है। एंड इसको मैं अच्छी तरह से अपनी फेस वॉश सर्कुलर मोशन में वॉश कर लूँगी ताकि सारे जितने भी डर्ट है वो अच्छी तरह से निकल जाए। इसका प्राइस जो है 55 रुपीज़ एंड ये आपको मिल जाता है 50 ml का प्रोडक्ट। इसका बड़ा साइज़ भी आप चाहो तो ले सकते हो। इसमें है आमला फ्रूट, प्यूरिफाइड वाटर, मधु, घृत कुमारी, ऐसे बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड इसमें ज़्यादा फोम क्रिएट नहीं होता है जो आपकी स्किन के लिए, मतलब ऑयली स्किन के लिए तो काफ़ी अच्छा है। देन फेस को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी वाटर के साथ। फेस वॉश को मैंने पानी से अच्छी तरह से धो लिया है, अब फेस को अच्छी तरह से पैड ड्राई कर लूँगी। फेस वॉश करने के बाद बारी आती है स्क्रबिंग की। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बायो पपाया रिवाइटलाइजिंग टैन रिमूवल स्क्रब। ये ऐसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। इसका प्राइस है 199 रुपीज़ एंड आपको मिल जाता है 75 ग्राम्स का प्रोडक्ट एंड इसका पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, ग्रीन कलर का बायोटिक का जैसे होता है। सबसे पहले आपको मिल जाता है एक लिड एंड उसके बाद आता है ये स्क्रब। ये बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी में है एंड इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो बिल्कुल पपाया सीड की तरह ही दिखता है। इसको मैं अपनी पूरी फेस पर लगा लूँगी। इसको मैं गीला करना भूल गई थी इसीलिए मैं थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल कर लूँगी। सूखे फेस पर कभी भी स्क्रबिंग ना करें, फेस को अच्छी तरह से गीला कर लीजिए एंड अपनी फिंगर टिप की मदद से बिल्कुल भी हार्श ना होते हुए हल्के हाथों में सर्कुलर मोशन में आपको स्क्रबिंग करना है। नोज़ एरिया पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा होते हैं हमें ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ये सब। ये जो स्क्रब है इसके अंदर है पपाया फ्रूट एंड सीड्स, आम बीज, मेथी सीड्स, नीम बार्क, प्यूरिफाइड वाटर, बीज वैक्स, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो आपके फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर देता है, स्क्रबिंग करता है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है एंड जितने भी डर्ट है वो निकालने में मदद करता है। थोड़ा थोड़ा करके पानी लेके इसको मसाज करूँगी अगर ये सूख जाता है तो। बिल्कुल सूखे हाथ में नहीं करना है क्योंकि ये स्क्रब कर रही हूँ मैं, स्किन नहीं तो बहुत ज़्यादा घिस जाके दर्द भी हो सकता है हम लोगों को। अच्छी तरह से स्क्रबिंग करने के बाद मैंने अपने फेस को धो लिया है एंड फेस जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लग रहा है, हल्का महसूस हो रहा है, डर्ट जो है बहुत सारा निकल गया है फेस में से। स्क्रबिंग के बाद बारी आती है फेस मास्क की। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बायो पीच क्लैरिफाइंग एंड रिफाइनिंग पील ऑफ मास्क फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। यहाँ पर मिल जाता है हमें 50 ग्राम का प्रोडक्ट जिसका प्राइस है 199 रुपीज़। ये भी ऐसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। इसमें है पीच जूस, एलोवेरा जूस, नीम बार्क जैसे इंग्रेडिएंट्स।
इसका जो प्लास्टिक का डिब्बा है ये खोलने के बाद ये बहुत ही लिक्विड फॉर्म में है, तो थोड़ा सा संभाल के खोलना पड़ता है। एंड इसका कलर भी बिल्कुल पीची रेड कलर में है। इसको हमें फेस पर अप्लाई करना है, एक लेयर थिक लेयर मुझे अप्लाई करना है। एक चीज़ जो मुझे बुरी लगी कि इसका स्मेल, ये बहुत ही ज़्यादा लाउड अल्कोहलिक स्मेल था, जिसकी वजह से मेरा आँख जो है थोड़ा सा जल रहा था, क्योंकि इसमें है पीच एंड पीच में से ऐसा ही एक लाउड स्मेल निकलता है, तो जिसकी वजह से मैं आँख बंद करके इसको लगा लिया। पूरी फेस पर एक पतला लेयर में अप्लाई कर लूँगी। यूजुअली इसका कोई टाइम नहीं है रखने का, ये सूख जाने के बाद ही थोड़ा सा हल्का अगर ड्राई हो जाए देन उसके बाद आपको इसको निकाल लेना है। मास्क जो है हल्का हल्का सूख गया है एंड इसको मैं अभी आस्ते आस्ते धीरे धीरे निकाल लूँगी। ये बहुत ही मोटा मैंने नहीं लगाया है, तो एक साथ तो निकलेगा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा करके हमें निकालना होगा। इसका जो फील था वो बिल्कुल च्युइंगम जैसा लग रहा था, जैसे मैं च्युइंगम निकाल रही हूँ। एंड पर निकालने के टाइम पर ऐसा लग रहा था कि सारे डर्ट को निकाल रहा है। जिस जिस जगह पर निकला है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गया है एंड इसके ऐसे पिंकी पिंकी निकल के आया है। मास्क मैंने निकाल लिया है एंड फेस को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। फेस मास्क के बाद अभी बारी आती है टोनर की। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बायो क्यूकम्बर पोर टाइटनिंग टोनर विथ हिमालयन वाटर्स फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन। यहाँ पर हमको मिल जाता है 120 ml का प्रोडक्ट एंड इसका प्राइस है 175 rupees। मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ, ये बहुत सही वाला टोनर है एंड ये ऐसे प्लास्टिक के बॉटल में आता है। इसका कलर जो है बिल्कुल ग्रीन कलर का है, क्योंकि इसमें है पेपरमिंट ऑयल, खीरा जल, दारू हल्दी रूट, धनिया फ्रूट एट्सेट्रा। इसको आपको एक कॉटन के बॉल में लेना है, नहीं तो आप एक वॉश क्लॉथ में भी ले सकते हो। एक कॉटन के बॉल पे लेके आपको पूरी फेस पर धीरे धीरे अप्लाई कर देना है ऐसे डैबिंग मोशन में। एंड इसमें से बहुत ही कूलिंग वाला इफेक्ट आता है, क्योंकि पेपरमिंट ऑयल है एंड समर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब फेस को बहुत ही कूलिंग एंड रिफ्रेशिंग सा इफेक्ट ये देता है। इसको अच्छी तरह से पूरी फेस पर लगाने के बाद इसको मैं ईजिली मतलब सूखने दूँगी, ताकि स्किन पर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। सो लास्ट में बारी आती है फेस सीरम की। ये है बायो डैंडिलियन फिजिबली एजलेस सीरम फॉर ऑल स्किन टाइप। ये बहुत सही वाला सीरम है, ये आपको मिल जाता है 40 ml का प्रोडक्ट और इसका प्राइस है 230 rupees। बॉटल इसका छोटा वाला है, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है आई नो, पर इसमें है सूर्यमुखी ऑयल, खामीर पाउडर, जायफल ऑयल, डैंडिलियन रूट, बीज वैक्स, ऐसे बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स। ये इसका टेक्सचर जो है एंड कलर स्मेल जो है इसका बहुत ही अच्छा वाला है एंड बहुत ही लाइट टेक्सचर है, फेस पे इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है। ये आपकी एज साइंस ऑफ एजिंग को रोकता है, आपकी स्किन को एक ब्राइटर एंड स्मूदर इफेक्ट देता है एंड आपको एक यूथफुल ग्लोई स्किन प्रोवाइड करता है। सो मेरी फेस क्लीन अप हो गई है कंप्लीट। मुझे पता नहीं कि आपको दिख रहा है कि नहीं, पर मुझे फील हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा है, मतलब जितने भी डर्ट्स थे वो सब निकल गए हैं। हफ्ते में एक बार आपको फेस क्लीन अप तो ज़रूर करना चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हो, धूल मिट्टी में काम करना है आपको, मतलब बहुत डर्ट एंड पॉल्यूशन में अगर आप रहते हो, तो आपको तो ये फेस क्लीन अप ज़रूर करना चाहिए। एंड ये अफोर्डेबल भी है एंड 100% नेचुरल है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया है एंड मेरी फेस पहले से बहुत ज़्यादा क्लीन हो गई है। आई मीन फर्स्ट में जो जैसा था, अभी आप आई डोंट नो कि देख पा रहे हो कि नहीं, पर आई कैन सी एंड आई कैन फील के डिफरेंस मुझे दिखाई दिया है। तो मुझे तो ये क्लीन अप करके सच्ची में बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आप भी चाहते हो तो आप भी घर पे इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए एंड बस ट्राई कीजिए। और गर्मी में बहुत बहुत ज़्यादा करके पानी पीजिए एंड लिक्विड कुछ खाइए, ताकि आप अपना सेहत को भी ठीक रख सको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग सा लेके। टिल देन बाय बाय।